हेलो दोस्तों, मैं रुपेश और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज आपके लिए जो गाड़ी लेके आए हैं वो सामने आप देख रहे हैं, ये मारुति सुजुकी की ओर से ब्रेज़ा एलेक्स आई है। भाई बताना चाहूँगा ये एक बेस वेरिएंट है, बट आप इसे बाहर से या अंदर से भी देख के नहीं बता सकते हैं कि ये एक बेस वेरिएंट एलेक्स आई है। और भाई आप सब जानते ही होंगे इस गाड़ी की वेटिंग भी अभी मतलब काफ़ी लंबी चल रही है, बुकिंग ज़बरदस्त हो रही है। और भाई एलेक्स आई भी मतलब इतना तगड़ा इसका मतलब बुकिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, VXI को छोड़ के ज़्यादातर एलेक्स आई में बहुत सारे आदमी शिफ्ट हो जा रहे हैं। कारण है भाई कि गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी का प्राइस। तो एक्स शोरूम जो प्राइस है वो 7,98,000 है और ऑन रोड आपका 9 लाख के अप्रॉक्स में पड़ जाएगा। ये मैं आपको धनबाद सिटी का बता रहा हूँ। तो चलिए इस गाड़ी का इंजन में भी जान लेते हैं, इंजन में क्या मुझे मिलता है। तो इंजन की अगर बात करते हैं तो 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिल जाता है जो 102 bhp और 136 nm का टॉर्क निकाल देता है। और भाई बात करो अगर माइलेज की, तो माइलेज आपकी जो कंपनी वो क्लेम कर रही है 20 के एवरेज गाड़ी निकाल देती। तो चलिए जान लेते हैं इस गाड़ी का डायमेंशन क्या है। तो भाई अगर लंबाई की हम बात करें तो लंबाई आपको 3995 में मिल जाती है, ये एक सब 4 मीटर SUV है। और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में आपको 1790 मिल जाती है और हाइट इसका है भाई वो 1685 है। तो खैर हाइट में भी कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। और व्हील बेस अगर देखा जाए तो व्हील बेस 2500 मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm, तो सही है भाई। और दोस्तों बताना चाहूँगा इस गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स है जो कि एसेसरीज़ भी इंस्टॉल है इस गाड़ी में, तो वो मैं सारे कुछ आपको बता दूंगा कि कौन से पार्ट एसेसरीज़ में है। तो भाई चलिए सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में, आगे बने रहेंगे आप। तो बताना चाहूँगा भाई अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो भाई हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस गाड़ी में सारे कुछ फीचर्स जानते हैं कि क्या कुछ इसमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं। और भाई इस गाड़ी को अगर आप सामने से देखो ना तो कसम बता रहे भाई ये जहर लगती है गाड़ी देखने में। नो डाउट मारुति ने ये जो गाड़ी निकाली है काफ़ी ज़बरदस्त निकाली है। और वेट करते हैं इस गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग क्या आता है, अभी तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, होप ये भी 4 स्टार पिछले बार की तरह निकाले। तो चलिए बात करते हैं क्या कुछ हमें इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं इसका हेडलाइट, ये आपका प्रोजेक्टर में है, ये टर्न इंडिकेटर, ये पायलट लैंप और ये आपका फॉग लैंप, आप एसेसरीज पे लगवा सकते हैं फॉग लैंप, ठीक है। और ये आपका क्रोम जो है वो एसेसरीज़ का पार्ट है। और ये डिफ्यूज़र जो देख रहे हैं भाई, डिफ्यूज़र भी आपका एसेसरीज़ का पार्ट है। ऐसा कुछ दिखता है पूरा आगे का बम्पर, ड्यूल टोन में दिखता है थोड़ा बहुत, ये रहा नीचे से ऐसे कुछ। और ये देख सकते हैं क्रोम इंसर्ट्स, ये जो क्रोम है ये लाइनिंग आपकी ये एसेसरीज़ का पार्ट है, ये इधर और इधर आपका पूरा ये लाइन किया हुआ। तो भाई आगे से कुछ ऐसा इसका लुक बनता है, काफ़ी सही है। तो चलिए साइड में अगर हम बात करते हैं तो इधर पे कुछ ऐसा है इसका फ्रंट फेंडर, आपका जो टायर साइज़ है, टायर साइज़ की अगर बात करते हैं 215/60/R16 है। और ये व्हील कैप जो कि साथ में ही मिलता है, अलग से नहीं परचेज़ करनी पड़ेगी। और ये व्हील आर्क, ये आपका एसेसरीज़ का पार्ट है, अगर ये हट जाता है तो प्लेन ब्लैक ही दिखेगा आपको, इससे थोड़ी सी लुक गाड़ी की और भी इनहेंस हो जाती है। ये देखिए ये कवर जाएगा तो भाई उधर आपका ब्लैक प्लास्टिक दिखेगा। ये आपका साइड रनिंग बोर्ड्स कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका एसेसरीज लगा हुआ है इस पर। और इधर आपका ये फ्यूल लीड, फ्यूल लीड में आपका 48 लीटर का टैंक मिल जाता है फ्यूल कैपेसिटी। गाड़ी का पीछे का लुक भाई, पीछे का लुक तो यार इस गाड़ी का ज़बरदस्त है, एकदम शानदार लगता है देखने में। और भाई मारुति ने क्या बनाया है देखिए, बहुत सारे सुनने के बारे में रेंज रोवर का लुक है, रेंज रोवर का लुक है, बताइए भाई अगर दूर से देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है देखने में। और स्पेशली ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसकी वजह से भी खूबसूरत लग रहा है देखने में। चलिए भाई इसका हाइलाइट ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। कुछ ऐसा ही चलता
यस लगता है भाई। ये आपका रिवर्स, ये आपका टर्न इंडिकेटर, नीचे अगर आते हैं तो नीचे में आपका रिफ्लेक्टर, ये इसमें पीछे में चार पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं, यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट, यहाँ पे बटन बोर्ड को ओपन करने के लिए, और इधर सुजुकी का लोगो, ये ब्रेजा का लोगो, और ये ब्लैक। और ऊपर में देखते हैं तो यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जा रहा है, ऊपर में साथ में एंटीना मिल जा रहा है। गेट को पीछे बूट ओपन करते हैं, कुछ ऐसा है, इसमें कोई भी आपको लाइट वगैरह नहीं दिए जा रहा है। यहाँ से इसको हटाते हैं, इसका साइज देखते हैं कितना है, ये 215/60/16 में तो सेम साइज है। यहाँ पे आपके टूल किट, इधर तो थोड़ी बहुत स्पेस, और भाई 328 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। और देखिए यहाँ से अगर ये पुल करते हैं तो सीट अनफोल्ड हो जाती है, दोनों इधर पुल करने के लिए और इधर पुल करने के लिए, पुल करते हैं तो ये बेंच फोल्डिंग हो जाती है, फिर स्पेस काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो दोस्त सर वो इसे चाबी भूल गए थे यार, इसे बंद करते हैं और आते हैं पीछे। पीछे में देखिए कुछ ऐसा इसका है अंदर का व्यू भाई, पूरा ये आपका प्लास्टिक ही है, कहीं पे सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ पे आपके पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये लॉक अनलॉक के, यहाँ पे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, ये स्पीकर और कुछ ऐसा इंटीरियर का अंदर। अंदर में ये सब आपका जो है ये सीट कवर इंस्टॉल किए गए हैं एसेसरीज के तौर पर। यहाँ पे स्कफ प्लेट, ये भी एसेसरीज में ही इंस्टॉल हुआ है, और ऐसा आप देख सकते हैं भाई। बेस मॉडल में किसी में अपने रियर वेंट नहीं देखा होगा, बट इसमें रियर वेंट दिया जा रहा है पूरा ऐसा, इसमें हेडरेस्ट नहीं आते हैं। तो चलिए ये सब हो गई भाई इधर की बातें। यहाँ पे ऊपर में कोई कैबिन लैंप नहीं है, एक यहाँ पे है सिंगल कैबिन लैंप। चलिए आगे में देखते हैं, आगे में कुछ ये आपका ड्राइवर सीट का गेट, ऐसा पूरा ब्लैक इंटीरियर है, इसमें बेल्ट डोर नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी रहेगी कार्बन फिनिश में, प्लास्टिक ही है। यहाँ पे पावर विंडो के टूब्स, ड्राइवर सीट का ऑटो ऑटो डाउन है, यहाँ लॉक एंड लॉक है, और ये बटन से आप सारे कंट्रोल को लॉक कर सकते हैं। ये आपका वार्मिंग के कंट्रोल्स, सिर्फ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं, फोल्ड आपको मैनुअली करना होगा। यहाँ पे ट्यूटर की प्लेसमेंट, बट इसमें ट्यूटर और स्पीकर नहीं आते हैं। नीचे में स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे 1 लीटर बॉटल है, फुल पॉप स्पेस। भाई देखते हैं ये अंदर में, अंदर में देखिए यहाँ पे ये स्कफ प्लेट जो है आपका इंस्टॉल है एसेसरीज के तौर पे। अंदर में कुछ ये ABC पैडल, वो डेड पैडल, और देखिए इसमें जो लाइट जो जल रही है वो एसेसरीज पे इंस्टॉल है। यहाँ से आप आगे का हुड ओपन कर सकते हैं, और ये आपका फ्यूल लेट के लिए, ठीक है, और ऐसे इसमें नहीं है बताने लायक। यहाँ देखते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से हेडलाइट का स्विच, लेवलर, ये ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ, इधर एसी वेंट। तो चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं। तो कुछ इसका पूरा ऐसा भी हुआ है भाई, LXi में इतने सारे कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं और क्या चाहिए। ये रहा नीचे से डिकट स्टीयरिंग, और ये पूरा ऐसा, कुछ ऐसा पूरा अंदर में। ये डैशबोर्ड का पूरा व्यू, और भाई इसकी जो MID है उसे देख के तो खैर कोई बोलेगा नहीं कि ये बेस मॉडल है। इसमें आपको मतलब जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए उतने इसमें दिए जा रहे हैं। इधर पे आपका RPM, इधर पे आपका स्पीडो, और यहाँ से देखिए ये आपका फ्यूल गेज, ये पे आपका टेम्परेचर गेज, और जैसा ये गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड है तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आपका बैटरी का भी सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई ज़्यादा कैबिन नॉइज़ भी काफ़ी मतलब कम है अभी तो AC ऑन इसकी वजह से,
थोड़े बहुत आ रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे इसमें बताने लायक यहाँ पे टाइम है, नीचे में इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है, प्रेस करते हैं तो एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे रेंज, और इधर से चेंज करते हैं तो ये आपका ऑडो, सॉरी ट्रिप बाई ट्रिप भी, और ये ऑडोमीटर। इधर देखते हैं तो इधर आपका लाइट के कंट्रोल्स, इधर आपके वाइपर के कंट्रोल्स, ये स्टेयरिंग, इस पर आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर मार्केट आप इसमें लगवाएं। तो अगर बात करें स्टेयरिंग का, तो स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है इसमें। और इधर पे आपको म्यूज़िक सिस्टम का आपका प्लेसमेंट, इसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है, आप बाहर से लगा सकते हैं या फिर एसेसरीज पे आप कंपनी से लगवा सकते हैं। यहाँ पे एसी वेंट के बटन है, और यहाँ पे हैजार्ड का बटन, यहाँ पे मैनुअल आपका एसी कंट्रोल्स मिल जाता है, इधर से आपका टेम्परेचर, ये फ़ैन के लिए, ये एयर डायरेक्शन के लिए, और ये नीचे बटन, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, थोड़ी बहुत स्पेस फ़ोन वगैरह रखने के लिए, ये आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल, आपका मैनुअल है ये, इसमें आपका ऑटोमेटिक भी आता है, इसमें आपको CNG ऑफर नहीं किया जाते, सिर्फ पेट्रोल में ही आते हैं। अब पहले जो फर्स्ट में ब्रेजा निकली थी उस टाइम सिर्फ डीजल में था। ये आपका हैंड ब्रेक, इधर पे कप होल्डर और थोड़ा बहुत स्पेस। आगे में जो सीट है उसमें आपको हेडरेस्ट मिल जा रहा है, हेडरेस्ट नहीं है इस गाड़ी में। ये आपका मैनुअली एडजस्टेबल ORVM, खुद से एडजस्ट करना होगा, डे नाइट है। और इधर नीचे में आते हैं तो ये आपका ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे ये पूरे डैशबोर्ड ब्लैक में, यहाँ पे सनसेट में कोई भी मिरर नहीं है, इधर भी कोई मिरर नहीं है। तो चलिए ये सब हो गए अंदर की बात, तो मैं आपको, चलिए मैं आपको इंजन बे भी दिखा देता हूँ कैसा कुछ है। इंजन बे खोलते हैं, इंजन बे तो काफ़ी साफ सुथरी दिख रही है, लेकिन अंदर से ऊपर से सब बारिश हो रही है, तो फायर वॉल पे गाड़ी पहले से काफ़ी रिफाइन कर दी गई है इंजन को लेकर। चलिए आप देखिए ऊपर में आपका पैडिंग है, एलेक्स हाई होने के बावजूद भी पैडिंग मिल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये बंद हो गई, ये पूरा कभी तो। चलिए भाई इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं हमारा चैनल मतलब बन के रीच करने वाला है, तो आप लोग अगर जितना जल्दी हो सके वो करवा सकते हैं।